नमस्ते सत श्री अकाल एंड केम छो, दिस इज शेफ वर्षा एंड वेलकम टू माय चैनल वर्षा बेक इन कुक स्टूडियो। आज की वीडियो में आप एक सिंपल सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, उसको कहते हैं सुखड़ी। सुखड़ी गुजराती डेजर्ट है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप घर पे बना सकते हो। सुखड़ी, सुखड़ी मतलब सुख की घड़ी। सुख की घड़ी यानी कि हमारे खुशियों के दिन। तो हम अपनी खुशियाँ अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ और रिश्तेदारों के साथ किस तरह से बांटते हैं, तो ये एक एक्सप्रेशन है इन गुजराती ट्रेडिशन कि हम ये सुखड़ी बना के अपने गॉड को, मतलब कि शिरडी के साईं बाबा को या दूसरे जो त्योहारों में ये बना के सर्व की जाती है और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में अपने सुख को बांटा जाता है। तो आइए किस तरह से हम ये सुखड़ी बनाते हैं और अपने जन्माष्टमी को सेलिब्रेट करते हैं। सुखड़ी बनाने के लिए हमें गेहूं का आटा लेना है, 2 कप गेहूं का आटा। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हो तो आप आशीर्वाद का मल्टीग्रेन आटा भी यूज़ कर सकते हो। 1 कप देसी घी यूज़ करना है और 1 कप कटा हुआ गुड़। इलायची पाउडर और कटे हुए बादाम। सबसे पहले एक पैन में घी को गरम कर लीजिए। घी जब हल्का सा गरम होए तो उसके बाद 2 से 3 मिनट तक घी को गरम करने के बाद हम उसमें आटा ऐड करेंगे और फिर आटे को भूनना शुरू करेंगे। ऑलवेज याद रखो कि आटे को भूनते टाइम उसको लगातार चलाते रहना है, जिससे वो नीचे से लगे नहीं। लगातार आटे को 10 मिनट तक भूनते रहिए, जिससे वो बिल्कुल पिंक कलर का बन जाएगा और लाइट बन जाएगा। आटा अच्छी तरह से भून चुका है, अब इसमें हम 1 टीस्पून ऑफ इलायची पाउडर ऐड करेंगे और 1 कप जो हमने गुड़ को ग्रेट करके रखा था वो हम ऐड करेंगे। गुड़ को ऐड करने के बाद हमें फ्लेम को स्लो कर देना है और 1 मिनट के बाद हम फ्लेम को बंद कर देंगे और जितना भी हमारा फ्लावर में जो भी हीट है उसे ही हम गुड़ को मिक्स करेंगे। अगर हम गैस को फ्लेम को स्लो या ऑन रखेंगे तो हमारा गुड़ कड़क हो सकता है, जिससे हमारी सुखड़ी हार्ड हो जाएगी, तो इसलिए हमें उसको फ्लेम से हटा लेना है। तो आप देख सकते हो कि हमारा गुड़ अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और अब हम इसको एक ट्रे के अंदर सेट करेंगे। आप कोई भी प्लेट ले सकते हो या कोई भी फ्लैट पैन ले सकते हो। एक प्लेट लीजिए और उसको घी से ब्रश कर दीजिए। अब हमारी सुखड़ी का मिक्सचर है, अब उसमें ट्रांसफ़र कर दीजिए और फिर उसको हम उसको अच्छी तरह से उसको सेट करेंगे। कोई भी फ्लैट स्पून लेके हम इसको फ्लैट करेंगे, जिससे हमारी एक लेवल बन जाएगा और हम जिससे हमारी सुखड़ी का जो शेप और साइज़ है वो बिल्कुल इक्वली कट होंगे। और अब इसको हम गार्निश करेंगे आलमंड से। आलमंड से गार्निश करने के बाद अच्छी तरह से उसको स्प्रेड कर दीजिए और फिर उसको 15 मिनट्स तक फ्रिज में रखिए। 15
3 मिनट्स के बाद जब वो सेट हो जाए तो उसको बाहर निकाल के फिर उसको हम इसको स्क्वायर या रेक्टेंगल पीसेस में कट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्क्वायर पीसेस में कट करा है, लेकिन आप रेक्टेंगल या डायमंड शेप भी ले सकते हो। तो इस तरह से इवनली कट करने के बाद हम इसको सर्व करेंगे। I hope you like this video. Thank you so much for watching. Keep smiling, keep learning, stay tuned and please like, share and subscribe my channel. This is Chef Varsha Kashyap, Varsha Bake and Cook Studio.